और जेकर जेकर मनोकामना जो बांधे ना नारियल है दे नारियल बांधा था भाई है ना तो बांधे ते मने बहुत जगह मनोकामना पूर्ण होए होए है हां तो कोई घंटी दे है। नमस्कार दोस्तों, हमारे कॉर्नर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ रायपुर के उरपुरा गांव के पास, जहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुआ है। और दोस्तों, आज 22 तारीख है और अभी हम लोग यहाँ पास आए हुए हैं। और वहाँ पास पीछे देख सकते हैं, वहाँ पास पेड़ है जहाँ पास ये शिवलिंग प्रकट हुआ है, और यहाँ पीछे एक तालाब है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और देखते हैं शिवलिंग को। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं सामने यहीं पर शिवलिंग प्रकट हुआ है, और यहाँ पर सामने नारियल लगा हुआ है, और यहाँ पर सामने तालाब भी है जहाँ पर आप स्नान करके यहाँ पर शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं और जल चढ़ा सकते हैं। देख सकते हैं पूरा घेरा लगा दिया गया है अभी यहाँ पर। और यहाँ पर भैया लोग पूजा कर रहे हैं, और जस्ट पेड़ के पास ही निकला हुआ देख सकते हैं, और यहाँ पर नारियल बांधे हुए हैं। और जस्ट वहाँ पर छोटा सा कुंड बन गया है देख सकते हैं, जल चढ़ाते हैं उससे, और यहीं की जो मिट्टी रहती है उसको जल लेते हैं, जल रहता है उसको घर लेके जाते हैं जो भक्त आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। जैसे दीदी जी को देख सकते हैं, जो जल है उसको लेके जा रहे हैं, और जितने भी भक्त आते हैं यहाँ पास नारियल बांधते हैं जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। वह यहाँ पर देख सकते हैं नारियल भी बंधा हुआ है, जो भक्त आते हैं वह नारियल बांध के जाते हैं अपनी 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 मनोकामना पूरी करने के लिए, और जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वहाँ पास आते हैं। तो भैया जी यहाँ पास है नारियल बेच रहे हैं, तो भैया जी से पूछते हैं कुछ। भैया जी, आपका नाम क्या है? वासुदेव साहू। तो भैया, जो शिवलिंग है वह कब से निकला हुआ है यहाँ पास? ये 6 दिसंबर से निकले हैं, मंगलवार पड़े दिन है। हाँ। 9 बजे 8:30 बजे पता चली से कि मेरा ना एक ट्रांसपोर्टर है, वो गाड़ी लाइन से रखे थे। हाँ। तो गाड़ी सफाई उफाई कर कर ना पेड़ पत्ते पेड़ झाड़ी झाड़ी पेड़ का पत्ता ही सोला हर पत्ता तो सफाई चल दी की किसकी ले। हाँ। तो ना ज्ञान जो बुजुर्ग है तो मतलब पता ही थे कि ऐसे ऐसे है, और देखो के हिला डुला कैसे के ना। हाँ। हिला डुला जैसे ऐसे ऐसे आदमी बहुत 50-60-100 जने के आदमी इकट्ठा हो गए जब देखी तब। हाँ, देखी तो ऐसे तो 5-7 मन भी आ गए। हाँ। तो सबके सहमति से इलाज लग देखे के बाद ना पूरा चेक करे के बाद ना पटिया लेकर चालू कर आज तक चलते चेक। हाँ। और जेकर जेकर मनोकामना जो बांधे है ना नारियल है दे नारियल बांधा था भाई है ना तो बांधे थे। हाँ। मतलब बहुत जगह मनोकामना पूर्ण होए होए है। हाँ। तो कोई घंटी दे है। हाँ। कोई त्रिशूल दे है, देखा मनोकामना पूरी हो तक है। हाँ। और नंदी उंदी चढ़ा है डाले है। हाँ। और कोई कोई पैसे भी छोड़ के जाते हैं। हाँ। है ना, इस श्रद्धा के साथ अपन अपन जो मनोकामना पूर्ण होते हैं, मन अपन जो इच्छा है चलो व्यक्त करके जा जाते हैं। हाँ। सपना अपना देरी से कि कैसे मतलब पता चले? सपना नहीं दे बता था ना, वो जो गाड़ी साफ सुथरी करती से। हाँ। तो साफ करते तो हम लोग सपना नहीं दे भाई, इसी दिख। हाँ। गाड़ी से वो। हाँ। दिखी से शिवलिंग। हाँ। तो वही शिवलिंग देखी तो वही सियान मतलब बोले से आस पास के तो सब देखे पास बहुत इकट्ठा हो गया वो तो अकेला ही आदमी मन। हाँ। 100-200 आदमी से इकट्ठा हो गए तुरंत फटाफट एकदम देखे जाओ क्रिया बना है। हाँ। तो ऐसे ऐसे पार्षद में भी आ। हाँ। ये मोहल्ला के पार्षद आ गए, वो बहुत
वो टाइम बहुत आदमी आ गए सब लाट उलाट देखी ना सब देखिस बंद एकदम अंदर में से निकल अंदर में गए हुए कि ऊपर बस निकले हुए ऊपर जो दिखत ना हाँ। बस बाकी पूरा जड़ में बंधे हुए हैं जड़ में बंधे हुए हैं हाँ। जड़ में बंधे हुए पूरा हाँ, हाँ। तो जल चढ़ा चले कैसे तो नीचे में कुंड बने हैं हाँ। ना छोटे तो कुंड बने पहले पता नहीं चला थी हाँ। जब जल चढ़ा चढ़ा दिस न हाँ। तो वो साफ सफाई करब के ना वो अभी अब तक बहुत गहरा हो गया तो हाँ। जो शिवलिंग में चढ़े वाला जल है ना वहाँ के इकट्ठा होते वही इकट्ठा ना दर्शनार्थी मन है लेके जाते हैं ले जा जाते या कोई दर्द वर्द होते मन में जो रोग रही थे हर बार और एक कुछ मतलब वही मान्यता है जिसे मिट्टी और एक जल लेके जाते और कुछ परेशानी तो ठीक हो जाते शरीर में हाँ तापमान यही कहो कि कहाँ के यही कहो गाँव के खर मतलब आगे जाक मंदिर वंदिर बनाए ही कि नहीं बनाई है मंदिर तो बनी जो लगे है ना घेरे लगे थे खर 250 हाँ बनाए अभी अभी बनाए अभी अभी बनाए पत्री बने पत्री है वो समय पूरा इसने गहरा रिश्ता पूरा जो दर्शनार्थी मन है ना स्नान करते स्नान जल चढ़ा पानी अच्छा हाँ अब आगे जाके धीरे धीरे मंदिर बनी है मंदिर के लिए चालू करने वाले बतावत है अच्छा एक आध हफ्ते बाद में पता चालू कर उसे बता देंगे हाँ ठीक है धन्यवाद भैया तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पहले गड्ढा हुआ करता था फिर उसके बाद जैसे ही शिवलिंग प्रकट हुआ जो भैया जी देखे हैं उसके बाद सभी गांव वाले इकट्ठे हुए फिर उसके बाद ही जो यहाँ पर जितना टाइल्स वाइल्स लगा है और यहाँ पर घेरा लगाया हुआ है उसको किया गया है और यहाँ पर जो पचरी जैसा भी बनाया गया है पानी लेकर यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए शिवलिंग पर और आगे जाके यहाँ पर मंदिर भी बनेगा ऐसा बोल रहे हैं भैया और जब शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुआ था उस टाइम तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ आया करते थे अभी एक से डेढ़ महीना हो गया है तो अभी जो यहाँ आते हैं लोग उनकी जनसंख्या भी थोड़ी कम हो गई है बाकी जब शुरू शुरू टाइम हुआ था उस टाइम बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग आया करते थे और सामने भी देख सकते हैं शिवलिंग के पास छोटा सा कुंड भी बना हुआ है तो दोस्तों हम लोग भी यहाँ पास एक नारियल ले लेते हैं और पूजा कर लेते हैं तो भैया का पूछन भैया मन कहाँ सा है भैया मन कहाँ का भैया मैं यही से आपके कहाँ नाम है अपने सोहनलाल साहू तो कुछ बता सका था एक बारे में शिवलिंग जो प्रकट हुए उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो ये मन बताही अच्छा अच्छा जी बस्ती साइड होती हाँ ये कौन सा मोहल्ला है मठ पारा उरकुरा हाँ तो चाचा का ना बात करसन तो चाचा आपके नाम का है रतिलाल साहू तो आप मन यहीं रही था कि कहाँ का वहाँ यही मोहल्ला अच्छा सेवा करत बैठे ही था सेवा करत बैठे ही था रात दिन सेवा करी था जो शिवलिंग निकले ओकरे तो कुछ बतावा एक बारे में मान्यता का है अब राज वर्मा के ओकर में तीन चार ठन गाड़ी है राज वर्मा में हाँ जो देखे रही सब देखे रही से टेकर में हाँ वो हाँ किशनपुर गए रही से हाँ दो ठन गाड़ी है हाँ और यही में खड़ा करके रख दे रही रात ले आई तो 8-9-10 बजे हाँ
सवेरे जो आके साफ सफिन करी से हारन ओकर कुछ गड़बड़ी टेलर सुधारा थी से अपन रावल दुनो अब भगवान के लीला तार भैया अब वो पेड़ के झाल लो फोटो टंगा है कि ऊपर ले ऐसे धारा धारा पंछा में नहीं और नीचे में वो कचरा उचरा ही तेला साफ सफिन करी से साफ साफ सफिन करी ताकि थे तोला केहन गा सियन हाँ चल हमन किशनपुर के हैं कहते हैं डिसाइड नहीं करे कि था कि देखो आ तो खराय का देवते तेरे भैया ऐसे कि चम्मच बुलाई से मैं भी वो खाना खा के वही में 8:30-9 बजे के लगभग में ओकर से बात करत बैठे रहे ओकर बाद में भे आग देखे तो जय भगवान महादेव महाराज अब किशनपुर के यह में प्लान में तो नहीं जा सके यहीं मोला तो दर्शन करावा था ऐसे कि के पाप अलौटी करे हम ओकर बात फिर ये पाठा थे रे मकान वाला है बहुत ही अनहा आ रही से वो देखी से बुलाए हम तक बुलाई तक बाद में वो एक लड़का जसवाल नाम के तेन गिफ्टी जाते से वाला रोकवाई से ओ देख तो बाबू हला के ते हैं मैं नहाय खोरे नियो की के बोली सो राज है ओ हिला उला देखी दे तानो ये तो हिलत नहीं गा ऐसी की ही है अब ओकर बाद डिप्टी लकर धका वाला डिप्टी जाना रही से चल दी ओकर बाद में थे एक ठंड गाय आ गए तो ओकर गाय के दूध लेने बोला ऐसे दूही सुना तो वो भगवान में पर गए ओकर दूध है और काम धेनु कर गाय खड़ा भी हो गए वही मेरे वही में ऐसे कैसे 8-10 जन सब तक लागे और मैं कहे पार्षद ला फोन नंबर वही तो बुला भैया और बता ऐसे ऐसे बात है की थी तो फिर वो फोन करी से फोन करी तो पार्षद आई से ऐसे कैसे 10-15 जन सक लागे गांव के मनसा जन गांव में तहन पासा दे तहन दिया हुआ जलाई सब पूजा पासा करी से और तहन जाना जानकारी हो तो वही दिन ले दर्शन के अनुसार सब आज पड़ोस के गांव मन के आज दर्शन करे ओकर बाद दर्शन करे बार आवाज जात है तो अभी बोलत कि अब मंदिर बनाही है मैं धीरे से बाद में हाँ मंदिर तो बनाही है अब जो है तो मालिक के हमारे मन के दुआ है मालिक के सहारा से सब मंदिर है कैसे हो बन छोटे हो कि बड़े हो मंदिर बन जावा है तो उन्हें बोलते कि खर जो मिट्टी लेके जाते और जल लेके जाते हाँ सब लेगा तो है लेकिन बताते कि जो रोग रही थे शरीर में दरा दरा ठीक हुआ थे करके हाँ ठीक तो हो ठीक है बतावा थे 2-4 आदमी बताए थे कल मानो काम सब नारियल बांधर जल थे धनकी वो है दे हाँ तंगा है तेन मन लते है हाँ भी बैला है चीज है कपड़ी है हाँ वो मन छोड़ के गए है नांग है हाँ मन देखा जो मनोकामना रही थे वो पूरा हुआ तेन मंदिर आज जाते ठीक है चाचा धन्यवाद ठीक है भैया धन्यवाद ठीक एमरपली नहीं रही इसका है मतलब जो पाटे थे ना बनाए के हैं सब पटिन हुए हैं हां ये गहरा देख ले गहरा है ना हां पूरा गड्ढा रिस पहले इस साइड भी मतलब जितना टाइल्स लगे सब उसी टाइल्स लगे उतना पूरा पाटे गए ठीक है पूरा हां दोस्तों देख सकते हैं यहां पर पहले जो था यहाँ पास मिट्टी विट्टी और जो टाइल्स लगा नहीं था वो शिवलिंग प्रकट होने के बाद यहाँ पास जो गड्ढा था उसको पाटा गया है और यहाँ पास देख सकते हैं शमशान भी है और जस्ट इसके सामने में तालाब भी है और यहाँ पास है शिवलिंग नगर निगम हाँ
रोड लग रहा है ठीक है बनाएंगे बोले वह आस पास के पूरा हाँ अब मंदिर बन ही बोल धीरे से में मंदिर तो यह मन बना ही गाँव में कार्य करता है ना शासन के सहयोग मिली तो अलग चीज है मगर इस समिति से ही बनी हाँ अब गांव वाले मन ही बना ली है इसे कार्यकर्ता मन है जो जो हाँ हाँ तो दोस्तों यहाँ पर जो दीदी है वह नारियल बेच रही है तो कुछ कहना चाहती है दीदी आपके नन के नाम का है मोर अमरीका साहू तो आप मन ही है गांव के का दीदी हाँ, तो आप मन कब से हमें बैठे हो महादेव जब ले प्रकट हुए तब ले मतलब एक सप्ताह नहीं बेचे बेचे हाँ बोलते बेचो बाहर से नारियल धर के जो दर्शन कही थी मन है चढ़ाई मन है श्रद्धालु मन सोमवार रविवार के ज्यादा भीड़ थे शनिवार के दूर दूर के भी आत हुई दर्शन करे ला हाँ, हाँ। रायगढ़ तक के आए बेटा रायगढ़ के भी आते हैं हाँ। सब गाड़ी मोटर बड़े बड़े वन वो टाइम बहुत भीड़ रहती सब टाइम है ना अभी भी थोड़ा रही थे पर सोमवार उस शनिवार को रविवार सब कर रहे नारा ऐसी थोड़ा बढ़ गए सब जगह और बहुत जगह निकला था तब खाना से ठीक है दीदी धन्यवाद तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।